हेलो दोस्तों, मैं सी कुशल सोनी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहां हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में, जो है सेक्शन 194IA, जो बात करता है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। आज इस सेक्शन के बारे में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी ज़रूर कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आइए देखते हैं सेक्शन 194IA के बारे में। सेक्शन 194IA जो कि बात करता है TDS ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में कवर होता है लैंड, बिल्डिंग, कोई भी फ्लैट या फिर बिल्डिंग का कोई भी पार्ट। हाँ जी, यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी में रूरल एग्रीकल्चर लैंड कवर नहीं है। अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड की ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें TDS डिडक्ट करना कंपलसरी नहीं है। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टी इंडिया में भी हो सकती है और इंडिया के बाहर भी हो सकती है। अगर इस तरह की प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी तो यहाँ पे प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194IA अट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि TDS डिडक्ट कौन करेगा। हाँ जी, TDS डिडक्ट करना है बायर ऑफ प्रॉपर्टी को। जो प्रॉपर्टी खरीदेगा वो इंसान TDS डिडक्ट करेगा अंडर सेक्शन 194IA। अगला सवाल आता है कि टैक्स डिडक्ट कब होगा। हाँ जी, टैक्स डिडक्ट होगा दो इवेंट्स में आपको बता रहा हूँ। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा उस इवेंट पे, उस डेट पे टैक्स डिडक्ट आपको कर देना है। पहली इवेंट है जब बायर जो है सेलर ऑफ प्रॉपर्टी को पेमेंट करेगा, एक तो ये इवेंट, या फिर जब बायर सेलर ऑफ प्रॉपर्टी का अकाउंट अपनी बुक्स में क्रेडिट कर देगा। इन दोनों में से जो भी इवेंट पहले हो जाए उस इवेंट पे आपको TDS डिडक्ट एज अ बायर करना है अंडर सेक्शन 194IA। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कितना TDS डिडक्ट करना है। हाँ जी, TDS डिडक्ट करने की रेट है 1%। बायर डिडक्ट करेगा 1% ऑफ ट्रांजेक्शन अमाउंट और जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा वो सेलर को पे कर देगा। यहाँ पे अगर सेलर के पास पैन नहीं है या फिर सेलर बायर को अपना पैन नंबर नहीं देता है तो यहाँ पे TDS डिडक्ट होगा 20% की रेट से। हाँ जी, अब अगला सवाल आता है कि जो आपने TDS डिडक्ट किया है उसको जमा कब कराना है, उसको पे कब करना है। TDS जमा कराने की डेट है विदिन 30 डेज, 30 दिन। हाँ जी, ये 30 दिन काउंट कहाँ से होंगे। 30 दिन काउंट होंगे उस महीने की आखिरी तारीख से जब आपने TDS डिडक्ट किया है। हाँ जी, लिमिट अमाउंट क्या है TDS डिडक्ट करने का, ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है। ट्रांजैक्शन वैल्यू है 50 लाख या उससे ज़्यादा। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से कम है तो TDS डिडक्ट करना कंपलसरी नहीं है। अगर वैल्यू 50 लाख या उससे ज़्यादा है तो आपको 1% TDS डिडक्ट कर देना है एज अ बायर। जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू में अभी लेटेस्ट में एक अमेंडमेंट आया है, मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। प्रॉपर्टी की वैल्यू में इंक्लूड होंगे सोसाइटी चार्जेस, पार्किंग चार्जेस और जो भी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, क्लब मेंबरशिप फ़ीस, पार्किंग एरिया फ़ीस और जो भी पूल एरिया फ़ीस, जो भी आपको मेंटेनेंस फ़ीस, जो भी चीज़ें चार्ज आपसे की जा रही हैं प्रॉपर्टी बेचते वक्त, वो सारी चीज़ें ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड होंगी। तो आपको कंप्लायंस कैसे करनी है, आपको एज अ बायर 10 मतलब टैक्स अकाउंट नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और कंप्लायंसेस आ जाती हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे एक बहुत सिंपल सा फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म 26QB। आप इस फॉर्म 26QB को सिंपली फिल करके बहुत इजीली इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं TDS का। बायर ऑफ प्रॉपर्टी जब पेमेंट कर देगा तो उसको फॉर्म 16B इशू करना है सेलर को। ये भी एक स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है, इस कंप्लायंस को भी कंप्लीट कर लें। हाँ जी, अगर आप ये सारी कंप्लायंसेस नहीं करते हैं, आपने TDS डिडक्ट किया, जमा नहीं कराया या फिर लेट जमा कराया, आपने लेट रिटर्न फाइल किया, लेट फॉर्म 26QB फाइल किया, तो क्या होगा, ऐसे कौन से लेट फीस हैं, ऐसे कौन से फाइन्स हैं और ऐसे कौन सी पेनल्टीज हैं जो आपके ऊपर लगने वाली हैं। हाँ जी, दो तरह की आपको लेट फीस और पेनल्टी यहाँ पे देनी पड़ सकती है। अगर आप फॉर्म 26QB को देरी से फाइल करते हैं तो आपको 200 रुपये पर डे की लेट फीस कंपलसरली देने पड़ेगी। हाँ जी, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज़ लेट फीस, इट इज़ नॉट पेनल्टी। पेनल्टी का एक दूसरा सेक्शन है, तो यहाँ पे 200 रुपये पर डे की आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी अगर आप सेक्शन 234
सॉरी सेक्शन 194 IA की कंप्लाइंस डिले करते हैं या फिर प्रॉपरली नहीं करते हैं तो लेट फीस डिले इन फाइलिंग ऑफ फॉर्म 26QB लगेगी ₹200 पर डे। एक और सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 271H, वो बात करता है पेनल्टी ऑन डिफॉल्ट ऑफ TDS। यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर आपके ऊपर 10,000 से लेकर के 1,00,000 रुपये तक की पेनल्टी लगा सकते हैं अगर आप सेक्शन 194 IA के प्रोविजंस को प्रॉपरली कंप्लाई नहीं करते हैं। तो ये था हमारा पूरा वीडियो सेक्शन 194 IA के प्रोविजंस के बारे में जो बात करता है TDS ऑन इमोवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय।